फ्रेंड्स, दिस इज देवाशीष एंड यू आर वाचिंग डीवी कंपनी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गूगल पिक्सल 3a के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इसी पिक्सल के बारे में। तो फ्रेंड्स, गूगल ने लॉन्च कर दिया है इसका ब्रांड न्यू प्रोडक्ट जो है गूगल पिक्सल 3a और पिक्सल 3a XL। तो गूगल पिक्सल 3a XL के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिक्सल 3a के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और आपको शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो आपको मिल जाता है 5.6 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले जो है एक OLED डिस्प्ले। और इसमें आपको ग्राफिक मिल जाता है एड्रीनो का 615 का ग्राफिक्स, मीन्स आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और बात करें इसके अब प्रोसेसर की, तो आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर। और यह है एक 2 GHz का प्रोसेसर ड्यूल कोर के साथ, और जो प्राइमरी कोर है वो है 2.0 GHz के साथ। और जो सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है वो है इसका 1.7 GHz के साथ। और अब बात करें इसके कैमरा की, तो फ्रेंड्स रियर में आपको मिल जाता है 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा f1.8 अपेचर्स के साथ। और आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K तक 30 FPS में। और आपको मिल जाता है इसमें इमेज रिजोल्यूशन 4000x3000 पिक्सल का। और अगर बात करें फ्रंट की, तो आपको मिल जाता है एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा f2.0 अपेचर्स के साथ। और इसके कैमरा में आपको मिल जाता है डिफरेंट सारे मोड्स, आप जानते ही हैं गूगल का कैमरा भले ही 12 मेगापिक्सल का है लेकिन आपको ये अनबिलीवेबल फोटोज ला कर देगा। और वीडियो भी इसकी रिकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारे चीज़ें इस में काफ़ी ज़्यादा कमाल के होते हैं, इस कारण जो इसके गूगल के फोटोज़ हैं वो हर फ़ोन से ज़्यादा अच्छा निकल कर आते हैं, चाहे आप बात करें S10 Plus या iPhone 10 से, ये इन सबको बीट कर देता है कैमरा क्वालिटी में, भले ही ये सिंगल कैमरा रहता है रियर में। और अब बात करते हैं इसके और भी सारे बारे में। तो बात करें मेमोरी की, तो आपको मिल जाता है 4GB RAM 64GB वाला ही वेरिएंट, आपको ये सिंगल वेरिएंट ही मिलता है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 39,999 की, मीन्स ऑलमोस्ट ये 40,000 आपको ये फ़ोन पड़ जाता है। और 40,000 के प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर। और अगर बात करें इसके कैमरा की, तो वही बस इसमें मेन हाईलाइट है और इसी के नाम से ये फ़ोन बिकने वाला है। और अगर बात करें इसके सेल्स की, तो ये आएगा सेल में 15 मई से। और ये आता है 2 कलर वेरिएंट में जो है जस्ट ब्लैक और क्लियरली वाइट के ऑप्शन में, और दोनों ही लगते हैं काफ़ी कमाल और दोनों हैं 2-टोन कलर के डिज़ाइन के साथ। और बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको रियर में मिल जाता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है, गूगल का है तो होगा ही। और इसमें सिक्योरिटी वगैरह आपको पैच न्यू ही मिलेंगे और सिक्योरिटी आपको 3 साल तक का मिलेगा और अपडेट भी आपको 3 साल तक मिलते ही जाएगा गूगल के थ्रू से आने वाले सारे। और इसमें आपको बैटरी मिलती है 3000 mAh की, जो बहुत कम है लेकिन ये सपोर्ट करता है क्विक चार्ज, तो ये फ़ोन को स्पीड से चार्ज कर देगा। लेकिन 3000 बोलने से कम ही लगता है हमें, ऑलमोस्ट आपको हाफ ऑफ डे में आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। और आपको ऑडियो की बात करें, तो आपको मिल जाता है एक लाउड स्पीकर और आपको 3.5 mm वाला ऑडियो जैक भी इसमें मिल जाता है, जिसे गूगल ने किल नहीं किया है जैसे पहले इन्होंने पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL में किल कर दिया था। और इस फ़ोन के बारे में बस इतना ही, और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर भी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मेरी आईडी है @DVCompany1। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर भी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी डिटेल्स इस फ़ोन के लिए आप जाकर चेक कीजिए लिंक को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।